आजकल आपने सरपंचों को काम पे लगा रखा है पूरे दिन काम पे लगे रहते हैं सरकार का विरोध करते हैं कि ये ई टेंडरिंग का जिन आप निकाल लाए और जो पूरी चौधराहट थी वो ख़त्म कर दी हुड्डा साहब आए थे हमारे पहले सेशन में परिवार पहचान पत्र की नई परिभाषा वो देते हैं परिवार प्रताड़ना पत्र मतलब दुखी हैं लोग उससे ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूदा दौर में अभी 2023 में अप्रैल में सात तारीख को सरकार की मुखालफत करती नज़र आती हैं चाहे आम आदमी से बात कर रहे हैं या ओपोजिशन से बात कर रहे हैं तो ये जो दोनों योजनाएं हैं आप बोलते हैं प्रौद्योगिकी आई टी के माध्यम से हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं लेकिन जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो कहते हैं हमें लाभ चाहिए ही नहीं है तो कैसे जूझेंगे आप कह रहे हैं, हम लाभ दे के रहेंगे वो कहेंगे नहीं चाहिए हमें तो बड़ी अजीब सी स्थिति है वोट बैंक को नुकसान होता दिख रहा है देखिए जैसे मैंने कहा हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए जनहित हमारा लक्ष्य है और जनहित करते समय अगर कहीं किसी चीज़ की अव्यवस्था आई हुई है उस अव्यवस्था को दूर करना और ये आज मैं पहली बार कह रहा हूँ ऐसा नहीं मैं लगातार कह चुका हूँ कि ई टेंडरिंग जो है वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए है और व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें तात्कालिक लाभ नहीं देखना होता अंतोगत्वा लंबे समय में दीर्घकालिक लाभ क्या है वो सब देखना है और ई टेंडिंग में तो शुरू शुरू में लोगों ने कहा कि आपने किस चीज़ में हाथ डाल दिया और जब मैंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है लोग इसमें बहुत प्रसन्न होंगे अभी मैं तीन दिन भिवानी जिले में मेरा टूर था गाँव प्रवास था था टूर था और मेरे साथ हमारे जे दलाल सब साथ में थे और वहाँ जितने सरपंच थे सब ने कहा कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है जितनी जनता के लोग थे तालियां बजाई सब ने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है इससे पहले हमारा एक सम्मेलन हुआ हिसार में किसानों का वहाँ मैंने प्रत्यक्ष दस हज़ार लोगों में पूछा बताओ भैया ठीक है कि नहीं है और इस प्रकार से खुला पूछना ही बहुत लोगों को हैरानी का कारण लगा कि मुख्यमंत्री इतना हिम्मत करके पूछ गए और सब ने उस पर तालियां बजाई और तालियां बजाई कि ई टेंडिंग में कहीं कोई दोष नहीं है और एक ऐसा फैसला है जिसको लोगों ने पसंद किया है मैं तो यह मिलें मिलें, ये कहूँगा मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकदर की बात है मंजिले मंजिलें मिलें न मिले ये तो मुकद्दर की बात है हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है क्या बात है क्या बात है हम कोशिश आप, आप अक्सर आजकल शायराना अंदाज में रहते हैं और विधानसभा में भी हम देखते हैं कि आप बहुत बड़ी बात एक छोटे से शेर में कह जाते हैं ये तो मैंने आपको सामने कहा है कि हम कोई चीज हम यानी किसी ने नहीं की हम नहीं करेंगे ऐसा हाँ। नहीं है हम प्रयोग धर्मी हैं और प्रयोग धर्मी आदमी लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और ये बात भी मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखिए कभी कभी हमारे बार मन में नई बात जब आती थी हम उनसे पूछते थे इसको कर लें क्या तो शुरू शुरू में जब ऐसा हुआ तो एक दो बार पूछा तो उन्होंने मेरे से पूछा मेरे से क्यों पूछ रहे हो मैंने कहा इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगे और हम कर दें कहेंगे अगर मैं मना कर दूँ और बात अच्छी हुई तो आप करोगे नहीं आप कोई भी नया प्रयोग करना करके देखो करने के बाद अच्छा लगे तो लगातार चलेगा किसी कारण से कठिनाई आ गई तो वापस ले लेंगे जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम ऐसा नहीं है कि कोई नया काम करेंगे ही नहीं ये हमारे साथी ऐसे हैं जो कल तक ये कहते थे ये पोर्टल की सरकार है ये पोर्टल